हेलो गाइस, वेलकम टू ललीपॉप क्लासेस। आप सभी का ललीपॉप क्लासेस में स्वागत। आज हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट है। रियल नंबर्स इज अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स ऑन अ लाइन। रियल नंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। रियल नंबर क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। किस पर? एक लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि रियल नंबर इज अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑन अ लाइन। यानी कि जो रियल नंबर होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा लाइन पर। वो लाइन होगा ये। यदि इस पर हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2, 3, तो ये मेरा हो गया नंबर लाइन। इसके बाद आते हैं हम लोग रियल नंबर्स इंक्लूडेड ऑल द नंबर्स सच एज। जैसे रियल नंबर जो है उसमें शामिल किया जा रहा है, यानी कि इंक्लूडेड किया जा रहा है नंबर्स को, जो कि हम लोग इस प्रकार से समझते हैं। तब आते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, जो कि इसका एग्जांपल हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5 etc। उसके बाद आते हैं हम लोग होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, जो कि इसका एग्जांपल होगा 0, 1, 2, 3, 4 etc। इसी प्रकार से हम लोग आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो होगा वो 2, 3, 4, 5, 7। उसके बाद आते हैं हम लोग इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मतलब सम संख्या, जो कि 2, 4, 6, 8, 10। उसके बाद आते हैं हम लोग ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं। विषम संख्याएं इसका हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9। उसके बाद आते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर्स, यानी कि संयुक्त या समग्र संख्या। वो होगा 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12। यहाँ पर हम लोगों को ध्यान से रखना है कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त समग्र संख्या जो होता है, इसमें हम लोग को ये बात को ध्यान देना है यहाँ पर 9 भी होता है। कितना बच्चा यहाँ पर गलती करता है जो कि 9 को छोड़ देता है। यहाँ पर हम लोग को खासकर अधिक ध्यान देना है। अगला स्टेप में आते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब हुआ जो कि पी बाई क्यू के रूप में। परिमेय संख्या यानी कि पी बाई क्यू के रूप में, यानी कि पी बाई क्यू। यहाँ पर हम लोग को ध्यान जो देना है कि क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि हम लोग का जो क्यू होगा वो जीरो कभी नहीं हो सकता है। क्यू इक्वल टू नॉट जीरो यानी कि क्यू इक्वल टू जीरो नहीं होगा। जो कि इसका एग्जांपल जो होगा वो होगा 2 बाई 3, 5 बाई 4। लेकिन यहाँ पर एग्जांपल ये भी हो सकता है, हम लोग को ध्यान देना है कि 6 बाई 8 भी हो सकता है। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल इसको कटा भी सकते हैं हम लोग, तो हो जाएगा हम लोग का 3 बाई 4। इसके बाद और एग्जाम्पल दे लेना चाहते हैं तो ये भी तुम्हारा हो सकता है कि 25 बाई 49, ये अंडर रूट में रहेगा। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा संख्या रेशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है। ये हम लोग को बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा 5 बाई 7। यानी इस प्रकार से पूरी संख्या को डिनोट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होता है जो ये पाई के रूप में, यानी कि वो संख्या जिसमें पाई भी लगा हो,
वो भी उसको भी हम लोग बोल देंगे अपरिमेय, या वो अंडर रूट में हो। यहाँ पर वो संख्या जैसे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, etc, जो कि ये बाहर नहीं निकल सकता है, और इसमें क्या शामिल हो, पाई शामिल। वो पी बाई क्यू के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नीचे 1 भी डाल सकते हैं हम लोग। देखिए ये हम लोग का क्या होगा। अब आते हैं हम लोग इंटीजर, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इसमें मेरा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि इसमें हम लोग को ध्यान देना है कि कैसे ये होगा। इसमें हम लोग आ जाते हैं पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर हम लोग को एक लाइन खींचती है, ये मेरा लाइन दिया। इसके बाद में इधर हम लोग कर लेंगे पॉजिटिव, और इधर आ जाएगा मेरा संख्या, हो जाएगा 1, 2, 3, 4, और इस साइड हो जाएगा -1, -2, -3, और यहाँ पर हो जाएगा -4। हम लोग को ये ध्यान देना है कि ये इस साइड जो होता है वो प्लस में होता है, और ये 0 का इस साइड जो होगा वो होगा माइनस में। यही हम लोग का जो होगा ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा हम लोगों का नेगेटिव। ये हम लोग का एग्जाम्पल हो जाता है नेगेटिव। अब हम लोग समझते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर होता है जो वास्तविक संख्या में होता है। इसमें हम लोग का रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों शामिल होता है, यानी कि इंक्लूडेड बाय रेशनल नंबर्स सम ऑफ इरेशनल नंबर। इंग्लिश में भी इस तरह से इसको बोला जा सकता है। हम लोगों को इसमें देखते हैं हम लोग, ये यहाँ पर है रेशनल नंबर्स। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं रेशनल नंबर्स को, यानी कि क्या एग्जाम्पल ले रहे हो, इसी में से 2/3, और इरेशनल का भी ले लेना एग्जाम्पल। इरेशनल नंबर मतलब क्या, 3। यहाँ पर हम लोग को ये ध्यान देना है ये 2/3 होगा ये रेशनल नंबर होगा, लेकिन रूट 3 जो होगा इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर कैसे ये हो सकता है कि ये रियल नंबर, इसके नीचे भी हम लोग क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। यानी कि इस प्रकार से ये हम लोग का जो होगा वो रेशनल नंबर्स, और ये मेरा हो गया इरेशनल नंबर्स। यानी कि जितना भी संख्या दी हुई है सबको हम लोग बोल सकते हैं वो रियल नंबर्स है। ये बात ध्यान है कि पूरा जितना भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो सब संख्या क्या है, ये रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है। अच्छा से समझ में आई बात, समझ में आई बात। अब हम लोगों को जितना भी बात यहाँ पर हम बता रहे हैं उसको एक बार, दो बार या तीन बार इस वीडियो को देखना होगा। जितना होगा उतना आप लोगों को इस चैनल को यानी कि लर्निंग पॉप क्लासेस को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और लाइक करना, और जितना हो सके वीडियो शेयर करना, ताकि हम इसी तरह से आगे भी वीडियो को बनाकर आप लोगों के पास वो सेंड करूँ, जो कि आप लोग देखकर इसको समझेंगे। जो कि ये हम लोग का ये फर्स्ट वीडियो है, जो भी मतलब कि वो त्रुटि होगा उससे आप लोगों को कोई अबड़ाना नहीं है। आप लोगों को कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, हम उसका कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से रिप्लाई वो विदा करेंगे, यानी कि आप लोगों के पास भेजेंगे। जो भी पढ़ना चाहते हैं उसको हम पढ़ाएंगे, जो कि क्लास 10 से रिलेटेड होगा। वो हम लोगों का ये अभी फर्स्ट चैप्टर है, इसके बाद वो स्टार्टिंग से 1, 1.2, 1.3, 2 पॉलीनोमियल्स, यानी इसी तरह से वो हमारा पूरा मैथ को पढ़ा कर ख़त्म किया जाएगा, जो कि आप सभी को दिक्कत नहीं आएगी, जो कि ये कोरोना में भी महामारी जितना ये ले ली है उसको समाधान करते हुए ये निष्कर्ष लिया गया है। धन्यवाद।